सरकार ने पता नहीं किस गलती से या जाने अनजाने में उस तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया, जो कि जैन धर्म की आस्था से बहुत बड़ा खिलवाड़ है। सरकार को चाहिए कि यह जो भी कार्य गलत किया गया है, तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन स्थल बनाया गया है, उसको तीर्थ क्षेत्र रहेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 12 जिला सचिवालय से, जहां पर आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में जो है जैन समाज से जुड़े हुए लोग जो है सड़कों पर उतर चुके हैं और करनाल के जिला सचिवालय में जो अपनी मांग को लेकर यहां पर पहुंचे हैं। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में देखते हैं, छोटे चाहे बच्चे हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, सभी जो है सड़कों पर उतरने को मजबूर है, क्योंकि झारखंड में जो इनके तीर्थ स्थल है उसको जो है किस तरीके से यहाँ पर जो है तीर्थ क्षेत्र बचाओ किसान रैली और देखते हैं करनाल के जिला सचिवालय में जो है तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि सरकार उसको जो है पर्यटक स्थल बनाने जा रही है। इसके विरोध में जो है तमाम हजारों की संख्या में जो है जैन समाज से जुड़े हुए लोग जो है वो करनाल के जिला सचिवालय में जो है पहुंच चुके हैं। पीछे जो काफी संख्या में होंगे जिला क्षेत्र की पवित्रता भंग होगी, क्योंकि यह मंसूरी या गोवा नहीं है। बोलिए जैन धर्म की, लगाएंगे ताकि माननीय उपाध्याय जो हमारी मिसाल है उन तक बात पहुंचे जोर से। अरे काला कानून वापस लो, अरे काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, तुम्हें शिकार हमारा है, झारखंड सरकार कानून वापस लो, झारखंड सरकार कानून वापस लो, देख रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय से, जहां पर हजारों की संख्या में जो है जैन समाज से जुड़े हुए लोग जो है आज करनाल के जिला सचिवालय में पहुंचे हैं, क्योंकि झारखंड में जो है एक धार्मिक स्थल है उसको जो है सरकार पर्यटक स्थल बनाने जा रही है, जिसका विरोध जो तमाम लोग यहां पर करते हुए नजर भी आ रहे हैं। कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, देखते हैं किस तरीके से महिलाओं के हाथों में जो है बैनर जरूर देखे जा सकता है, जिसका विरोध जो है यहाँ पर पहुंचकर जो है सभी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। कि किस तरीके से हजारों की संख्या में जो है जैन समाज से जुड़े हुए लोग करनाल के जिला सचिवालय में जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम जो है ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे, जो है उसको लेकर जो है यहाँ पर ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। हाथों में बैनर है जैन तीर्थ क्षेत्र की, यहाँ पर जो है श्री संदेश शिखर जी अभियान रैली, एक रैली जो है निकाली जा रही है, हजारों की संख्या में जो है लोग यहाँ पर पहुंचे जरूर है। और यहाँ पर आपको बता दें कि धार्मिक स्थल को जो है सरकार ने जो है पर्यटक स्थल बनाने की यहाँ पर बात की है, ऐसा इन तमाम लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। उसके जो लेकर है आज करनाल में हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर निर्माण मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, और कोड़ा कोड़ी हजारों करोड़ों में मुनि भी हमारे वहां से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। और सरकार ने पता नहीं किस गलती से या जाने अनजाने में उस तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया, जो कि जैन धर्म की आस्था से बहुत बड़ा खिलवाड़ है। सरकार को चाहिए कि यह जो भी कार्य गलत किया गया है, तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन स्थल बनाया गया है, उसको तीर्थ क्षेत्र रहने दे। तीर्थ क्षेत्र जैन धर्म की आस्था का केंद्र है, जैन धर्म वहां पर 27 किलोमीटर की वंदना होती है, जो कि बिल्कुल नंगे पांव वंदना करता है। सुबह प्रातः काल में 2 बजे उठते ही वहाँ उसकी वंदना चालू हो जाती है। 9 किलोमीटर की पहाड़ की चढ़ाई है,
वो 9 किलोमीटर की घुमाई है, वो 9 किलोमीटर की। क्या कुछ आपकी मांगे, किस लिए यहाँ पर पहुँचे हैं? ऐसा है जी, ये झारखंड सरकार ने जो उसका समय शिखर का काला कानून बनाया है, वहाँ पे पर्यटन स्थल बनाया है, पर्यटन स्थल को उसका जो कानून बनाया है उसको वापिस लेने के लिए ये सम्मेलन आया है। करनाल का सकल जैन समाज यहाँ करनाल में आया हुआ है जी, हम साहब को किसी साहब को ज्ञापन देने के लिए है जी, इसलिए यहाँ पे ये सारा जो आया है, सारा सकल जैन समाज करनाल का टोटल आया है यहाँ पे है जी। तो अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे क्या कुछ करेंगे? नहीं ऐसा ना, अगली कार्रवाई तो फिर हमारा जो दिल्ली समाज होगा वो करेगा, जो ऑल इंडिया समाज जो ऑल इंडिया जैन समाज जो है वो कॉन्फ्रेंस जो है वो दिल्ली से जो भी संदेश पार करेगी उसके लिए सारे कानून सारे जैन समाज बाध्य है। तो आज कहाँ कहाँ से है? आज करनाल से, करनाल में, करनाल से हम वहाँ भी चौक से इतवार को वहाँ पे लाल किले में मीटिंग हो चुकी है, उन्होंने आश्वासन दे दिया है, पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठ चुका है, लेकिन अपने अपने लेवल पे हरेक जना हरेक शहर के अंदर कर रहा है खिलाफियत थ्रू आउट इंडिया, सारे शहरों के अंदर लाल किले से। कल भी दिल्ली के सांसद ने, मनोज तिवारी ने सांसद में उठाया क्वेश्चन ये, और हो सकता है कि सरकार को कुछ समझ आ जाए और इसको पर्यटन स्थल खत्म करके हमारे क्षेत्र को ऐसे रखे जैसे है। पर्यटन स्थल बन गया, नॉन वेज वेज सब कुछ होगा, होटल खुलेंगे, सारे काम होंगे, पर्यटन स्थल पे जो होते हैं वो हमारे तीर्थ स्थित है, तीर्थ क्षेत्र को हमारी शुद्धि लगती है। आस्था पर भी ट्रेस पहुंचेगी, आस्था जो वहाँ पे आस्था का सबसे बड़ा जो केंद्र है वहाँ से 20 तीर्थंकर मतलब उस मोक्ष में गए हैं, और अनेकों लाखों करोड़ों साधु कोटि मतलब वहाँ से लाखों करोड़ों साधु जो हैं 27 किलोमीटर की यात्रा जैन पैदल करते हैं, जैसे जैसे जम्मू से कटड़ा से मतलब वहाँ वैष्णो देवी तक जो पैदल जाते हैं ना सारे भी जितने मतलब सनातन धर्म के हैं, इसी तरह जैन समाज उस समय शिखर जी के ऊपर बिल्कुल नंगे पैरों जाता है। अगर उसको पर्यटन स्थल बनाया गया वहाँ पे तो हर काम गलत होगा। जूते पहने आज किससे मिलने पहुंचे? आज किससे मिलने पहुंचे? आज हम डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं, ताकि डीसी साहब राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी को हमारा संदेश पहुंचे, संदेश पहुंचे जाके वो काला कानून झारखंड सरकार को बोले कि ये काला कानून वापिस लो। तस्वीरें देख रहे हैं जैन समाज के तमाम लोग जो आज ज्ञापन सौंपते हुए नजर आ रहे हैं करनाल के एसडीएम को, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री जी के नाम अपनी मांगों को लेकर। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप इसको भिजवाना चाहते हैं उचित माध्यम से आपका भिजवा दें, आप निश्चिंत रहें और कृपया अपने अपने घरों में आप देख सकते हैं करनाल के जिला सचिवालय में जहां पर आज हजारों की संख्या में जो जैन समाज से जुड़े हुए लोग जो है वो यहां पर पहुंच गए हैं, जो कि झारखंड में इनका धार्मिक स्थल है उसको जो है पर्यटन स्थल जो है सरकार बनाने जा रही है, इसका विरोध जो है आज हजारों की संख्या में जो है यहां पर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, और काफी संख्या में जो है देखते हैं कि महिलाएं हो बच्चे हो सभी जो है चीज का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहां पर देख सकते हैं कि पहुंचे हुए हाथों में बैनर है और किस तरीके से सरकार से जो है ये जो फैसला है उसको जो है वापिस लेने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, सभी यहां पर जो है किस तरीके से हजारों की संख्या में जो है लोग यहां पर पहुंचे, जो उन्होंने अपनी मांग को लेकर जो आज एक ज्ञान पत्र जो है करनाल के एसडीएम को जो है सौंपा गया है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, हजारों की संख्या में जो है लोग यहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ यहां पर देखते हैं महिलाएं भी मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज यहां पर पहुंचे हैं, किस लिए पहुंचे, क्या कुछ मांगे आपने रखी है? सर ये जो सरकार कर रही है झारखंड में जो हमारे लिए तीर्थ स्थल घोषित करने की सोच, तीर्थ स्थल है हमारा इसको पर्यटन स्थल घोषित करने की ये बहुत ही गलत है, तीर्थ स्थल को तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर इसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया हो सकता है वहाँ पे बहुत से गलत काम भी हो सकते हैं, इसलिए ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। ज्ञापन सौंपा गया तो देख सकते हैं कि किस तरीके से हजारों की संख्या में जो है यहाँ पर लोग इकट्ठे जरूर हुए हैं, और फिलहाल करनाल के जिला सचिवालय में पहुंचकर जो है अपनी मांगों को लेकर जो है ज्ञापन भी सौंपा गया है। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मुकुश तीजा, करनाल बिकी न्यूज, करनाल।